हम छोटे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशुतोष विश्वकर्मा ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, काफ़ी दिनों से हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर, यदि हमारे लिए हारमोनियम पे तेज उंगली चलाना है, हारमोनियम को फॉरवर्ड बजाना है, तो सर हम क्या करें, हमारी हारमोनियम पे तेज उंगली नहीं चलती। कम से कम 700 से 800 हमारे पास ऐसे कमेंट आए हैं। तो भाइयों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप लोगों को कोई भी वीडियो में ये रियाज, ये ट्रैक कहीं नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप हारमोनियम पर बहुत ही फास्ट उंगली बजाना सीख जाएंगे। इस प्रकार से देखिए आप। यदि इस प्रकार से आपको उंगली चलाना सीखना है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। सभी भाई लोगों से निवेदन है, यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको हमारी और आगे आने वाली वीडियो मिल सकें और हम छोटे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखें, ये हमारा हारमोनियम है, आप लोग जानते हैं हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। इधर से इधर तक ये आपका 1 सप्तक होता है, मतलब काली 1 से ऊपर के काली 1 तक। अब काली 1 क्या होता है, 2 बटनों का पहला बटन काली 1 कहलाता है, तो 2 बटनों का पहला बटन काली 1 ये भी कहलाएगा। ये आपको पता है कि हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। ये जो नीचे वाला सप्तक है, इस काली से नीचे वाली काली तक, ये आपका 1 सप्तक है। इधर से इधर तक आपका ये 2 सप्तक है, और इधर से यदि ऊपर की बात की जाए, इधर से इधर तक आपका ये 3 सप्तक है। तो वो ऐसी कौन सी ट्रैक है, ऐसा कौन सा रियाज है जिसको आप 1 घंटे यदि बजाएंगे तो आप उंगली को फास्ट चलाना, हारमोनियम को फास्ट बजाना सीख जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो नीचे वाला सप्तक होता है, ये आपका कहलाता है मंद सप्तक। मंद मतलब सबसे नीचे वाला सप्तक। इधर से इधर तक आपका ये मध्य सप्तक है, और इधर से ऊपर वाला ये आपका तार सप्तक है, ये है ना। तो सबसे पहले मंद सप्तक को अपन बोलते हैं लो ऑक्टिव, ये मिडिल ऑक्टिव, ये हायर ऑक्टिव। जो बीच वाला सप्तक है दोनों के, मंद और तार सप्तक का, वो आपका कहलाता है मध्य सप्तक। मध्य मतलब बीच वाला सप्तक, दोनों के बीच वाला सप्तक। तो सबसे पहले आपको मध्य सप्तक के काली 1 से ऊपर तक जाना है, इस बटन तक, ठीक है। तो पहली उंगली पहले बटन पे रहेगी आपके, ये दूसरी फिंगर बीच वाली दूसरे बटन पे, नीचे आपका ये अंगूठा आएगा, ये गाप है। फिर पहले बटन पे पहली फिंगर, दूसरे बटन पे दूसरी फिंगर, तीसरे बटन पे तीसरी फिंगर, नीचे फिर अंगूठा आएगा आपका, और ये पहले बटन पे फिर से पहली फिंगर। तो ये आपका सा है, ये रे, ये गा, ये मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। अब इधर से ऊपर तक आपका फिर से चालू हो जाएगा सा, रे, गा, मा, ठीक है। तो आपको सा से मा तक जाना है। सा से सा तक तो जाएंगे, लेकिन सा से ऊपर वाले सप्तक के मा तक जाना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप वापस आएंगे। प्रैक्टिस आपको बिल्कुल आराम आराम से कम 1/2 घंटा करना है, ठीक है, रोज करना है, सुबह शाम करना है। 1/2 घंटा पहला आपका रियाज है।
उंगलियों का खासकर ध्यान रखें कि किस बटन पर कौन सी उंगली रखना है, हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका आधा घंटा आप रियाज करेंगे, इसके बाद आपको 2-3 दिन बाद आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है अपनी उंगलियों की। देखें, फिर आपके जब 2-3 दिन बाद आप स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे इसकी और तेज स्पीड होगी इस प्रकार से। फिर से आप 3 दिन इतनी स्पीड पर रियाज कीजिए, फिर अगले 3 दिन आप इतना फास्ट बजाना सीख जाएंगे। ये आपकी पहली ट्रिक हो गई। अब मैं बात करता हूं दूसरी ट्रिक जो है, दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है कि आपको इसके नीचे वाला जो बटन है, ये नी, नी से आपको जाना है एक स्वर ऊपर, मतलब मा से आपको जाना है सारे गा मा पा, पा तक जाना है, नी से पा तक। देखें, ठीक है, ये आपको रियाज करना है फिर से 9 दिन बाद, कम से कम आधा से 1 घंटे डेली करना है। पहले इधर से सा से ऊपर के मा तक, फिर नी से पा तक, फिर आपको इधर नी से आना है सा रे धा, अब आपको धा से जाना है इधर तक सा रे गा मा पा धा, धा से आपको धा तक बजाना है। ये देखें, पहले आपको 2-3 दिन बिल्कुल आराम आराम से बजाना है, तो ये आपके 3 रियाज हो गए। YouTube पे ये पहली वीडियो है, आपको इस प्रकार से किसी ने भी नहीं समझाया होगा। जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी उंगली फॉरवर्ड हो जाएंगी। फिर आप 3 दिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, कम से कम 10 दिन तक बहुत तेज स्पीड इसकी बढ़ाइए, तो आप फास्ट हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। इस प्रकार से जब आपके 8-10 दिन हो जाएंगे 3 रियाजों को करके, तो आप किस प्रकार से बजाएंगे देखें। तो भाइयों, आप ये 3 रियाज कीजिए यदि फास्ट हारमोनियम बजाना सीखना है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है कि आपको फास्ट हारमोनियम बजाना सिखा दे। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भाइयों के लिए जय माई की जय, बुंदेलखंड जय भारत माँ।